कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड डैश रिटन एस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोड दी हुई है और इनकी कुछ लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, तो हमें कोड निकालना है। किसका कोड पूछा हमसे, हमसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर वेरी। अब वेरी कहाँ पर है, वेरी देखिए यहाँ पर सेकंड लाइन में है, ठीक है, सेकंड लाइन में है। तो इसके साथ कोड भी है और डे भी है, तो कोड और डे। अब कैसे पता लगेगा कि इन में से इसका कोड कौन सा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर देखिए डे यहाँ पर है, ठीक है, और डे यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर कोई कॉमन नंबर है, 5, देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो इसका मतलब ये कि जो डे का कोड है वो हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, वेरी के साथ कोल्ड। अब यहाँ पर कोल्ड है और कोल्ड यहाँ पर भी है, कोई नंबर इनमें कॉमन है, कॉमन है इसमें 3, ठीक है। तो कोल्ड का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3। अब बचा क्या है, यहाँ पर बचा है 6, तो वेरी का कोड हो जाएगा यहाँ पर 6। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 25। अगर इसमें से मैं इसी 5 को माइनस कर दूँ तो आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 20 इसके सामने है 5 के, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 7। 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँगी तो मिल जाएगा 49। माइनस करेंगे क्या 5, नहीं, अरे 7 ही माइनस करना है, 7 का स्क्वायर किया तो, ठीक है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना है 49 माइनस 7 इक्वल टू कितना बचेगा 42। अब देखिए 42 है यहाँ पर, 7 के सामने 42। नेक्स्ट नंबर है आपका 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, माइनस करेंगे 9 को इसमें से तो कितना बच जाएगा 72। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें ये कोड लिख लेना है KMF, ठीक है, ये लेटर्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं और इसका हमें इसके साथ रिलेशन बताना है, इसका इस वाले के साथ रिलेशन बताना है, ठीक है। ये वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, K के बाद L कितने नंबर पे आ रहा है, K के बाद L आ रहा है और 1 के बाद आ रहा है तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर F और H, ठीक है, F G H, तो दो नंबर के बाद आ रहा है तो दो नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दो का स्पेस हो गया इनके बीच में। उसके बाद M और L, अब देखिए L के बाद M आता है, ठीक है, यहाँ पे पहले दिया हुआ तो इसका मतलब क्या कर देंगे, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें हमें करना है, R के बाद प्लस 1, ठीक है, R के बाद ऐसा आएगा, अब यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, S T U क्या आएगा, U। अब M के बाद, यहाँ पर M के बाद नहीं करना, M से पहले एक नंबर लेना है, माइनस 1 था तो L, तो इसका आंसर आ गया S L U, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नंबर सीरीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। गवर्नमेंट एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15 के बाद आया 30, ठीक है, तो क्या करना है, ऐसा कि 30 बन जाए तो 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे बन जाएगा 30, ठीक है। उस बार 30 के बाद क्वेश्चन मार्क है तो दो स्टेप छोड़ के 40 पे आते हैं, ठीक है। ऐसा क्या किया है कि 8 आ गया, ठीक है, तो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ तो 5 8 जा 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आया है 48, अब ऐसा क्या करूँ कि 48 आ जाए। अब 8 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज़ हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड चल रहा है, तो सेकेंड वाले स्टेप में आते हैं हम, ठीक है, 30। तो अब 30 को क्या करेंगे, 2 के बाद 3 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 का नंबर यहाँ पे निकल गया है। अब उसके बाद क्या करना है, 40, तो 10 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे निकल जाएगा 40, तो आपका जो ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, 10।